हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल फिजिक्स का अड्डा। इन टुडेज लेक्चर और इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिलेटेड टॉपिक्स। जितने भी टॉपिक्स अभी फ़िलहाल COVID-19 की वजह से सीबीएसई बोर्ड ने अपने सिलेबस से रिड्यूस कर दिए हैं, तो आज की वीडियो उन्हीं के लिए है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको अभी भी कन्फ्यूज़ है कि आखिर ये क्या डिलेट हुआ है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली COVID-19 के चलते CBSE ने बच्चों का थोड़ा सा लोड कम किया है। बेसिकली लोड जो कम हुआ वो प्रैक्टिकल पोर्शन से बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं या प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल्स की, तो पिछले साल तक जो प्रैक्टिकल्स होते थे वो क्या होते थे, वो आपके 14 अराउंड प्रैक्टिकल्स होते थे, 6 एक्टिविटीज़ होती थी। ठीक है, तो इस बार वो एक्टिविटी हटा दी गई है, आपको एक प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ता था, वो प्रोजेक्ट भी हटा दिया गया है। ओके, तो आपको सिर्फ 8 प्रैक्टिकल्स करने हैं। ठीक है, बोथ द सेक्शन में से, ए और बी दो सेक्शन होते हैं, तो उन दोनों में से आपको सिर्फ 8 प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं, और उन्हीं प्रैक्टिकल से आपको एग्ज़ाम में आपके प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बताने देना चाहता हूँ कि जो ये टॉपिक्स डिलेट हुए हैं ये सिर्फ आपके बोर्ड सिलेबस से डिलेट हुए हैं, जबकि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में ये टॉपिक जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो ऐसा ना सोचें कि ये सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपका बेसिकली कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो विल टॉक अबाउट फर्स्ट अबाउट क्लास 12th। तो 12th फिजिक्स में से जो चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो उसमें यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल, ठीक है, तो उसके इन फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड वाला जो टॉपिक था ऑन द सरफेस वो टॉपिक हट चुका है। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं डिलीट किया गया है। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3rd की, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ये 3 चीज़ें हटा दी गई हैं। ठीक है, और अगर बात करो नेक्स्ट चैप्टर की, तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था आज तक, दैट इज साइक्लोट्रॉन को हटा दिया गया है। अब साइक्लोट्रॉन आपके CBSE सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उससे भी पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो इसमें से बहुत चीज़ें आपकी अब डिलेट हुई हैं। क्या क्या डिलेट हुई हैं आप देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए मैग्नेटिक डायपोल, बेसिकली फॉर बार मैग्नेट, अलॉन्ग इट्स एक्सेस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सेस, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी डायपोल के लिए जो हम एक्सेल पॉइंट में निकालते थे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालते थे, वो हटा दिया गया है, और किसके निकालते थे, बार मैग्नेट के लिए निकालते थे। उसके बाद टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं है, मैग्नेटिक डायपोल है, तो ये भी इसको हटा दिया गया है। उसके बाद पैरा डाई एंड फेरो, बेसिकली अगर हम बोले मैग्नेटिक मटेरियल्स की अगर हम बात करें, तो उसमें मैग्नेटिक मटेरियल से पैरा डाई एंड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक सब्सटेंस, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और फैक्टर अफेक्टिंग इट्स स्ट्रेंथ और परमानेंट मैग्नेट्स, इनको भी हटा दिया गया है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट चैप्टर की अल्टरनेटिव करंट, तो यहाँ पर दो छोटे छोटे टॉपिक हटा दिए गए हैं, जैसे आपका पावर फैक्टर है और वॉटलेस करंट। इफ़ आई विल टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 8, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो बेसिक आइडिया है डिस्प्लेसमेंट करंट का, वहाँ पे देखिए एक डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आता है जो आज तक बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन CBSE ने जो डिलेट किया है, जो सिलेबस से जो चीज़ें 30% चीज़ें जो सिलेबस के टॉपिक्स डिलेट किए हैं, तो उनमें से आपका जो ये डिस्प्लेसमेंट करंट है उसको भी हटा दिया गया है। अगर बात करूँ नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज चैप्टर 9, दैट इज़ रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दिस इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और यू कैन से यूनिट ऑफ योर 12th क्लास। सो फ्रॉम दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्पेरिकल मिरर और मिरर फॉर्मूला, ये सब हटा दिया गया है, और ये हटा दिया गया है, लेकिन आपने जब क्लास 10th में आप हुआ करते थे, तो क्लास 10th में आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो या स्पेरिकल मिरर हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स या चाहे आपका मिरर फॉर्मूला हो, वो सब आप पढ़ चुके हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी आप वहाँ पढ़ चुके हैं, तो इसको भी हटा दिया गया है। जैसे स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है, ठीक है, रेडिस ऑफ अपियरेंस ऑफ सन एंड एट सनराइज एंड सनसेट,
ठीक है। उसके बाद साथ साथ जो अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले की बात करें तो इसमें रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, देखिए माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप तो जैसे थे वैसे हैं, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ऐड डिलेड हुई है, वो क्या है, उनकी रिजॉल्विंग पावर, तो उसको हटा दिया गया है। इसी साल 2019-20 में बोर्ड में ये रिजॉल्विंग पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, लेकिन फिलहाल वो इसको इस साल टॉपिक से इसको हटा दिया गया है सिलेबस से। उसके बाद अगर आप बात करें पोलराइजेशन को हटा दिया गया है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रेवेस्टर लॉ, यूजेज ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलरॉइड्स, ये इस वाले चैप्टर से भी बहुत ज़्यादा रेन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से भी बहुत चीज़ें हटा दी गई हैं। उसमें बेसिकली वेव ऑप्टिक्स में से पोलराइजेशन स्कैटरिंग को हटा दी, पोलराइजेशन को हटा गया है, ब्रेवेस्टर लॉ को हटा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है, तो इसमें डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी उसके बारे में बताया था, ये हटा दिया गया है। पहले इसमें सिर्फ एक क्वांटिटेटिव इसकी स्टडी हुआ करती थी, लेकिन अब ये पूरा हटा दिया गया है। बात करें चैप्टर नंबर 12 की, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 से ऐसा कोई, तो इसमें अगर हम चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो दैट इज़ न्यूक्लियाई, तो इसमें रेडियो एक्टिविटी को हटा दिया गया है, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स रेस यू कैन से एंड देयर प्रॉपर्टीज़, ये भी हटा दिया गया है। रेडियो एक्टिव डीके लॉ, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ का एक कॉन्सेप्ट है जो आप 11th में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो फिजिक्स यहाँ 12th में आके फिजिक्स में है, तो वो सब हटा दिया गया है। साथ साथ इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार भी बोर्ड में ही पूछा गया था, लेकिन इसको हटा दिया गया है। बट एट अगर हम इसको देखें कॉम्पिटिशन वाइज तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अल्फा बीटा गामा डीके भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अगर लास्ट चैप्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट की बात करें तो इसमें से आपका जेनर डायोड जो बहुत इंपॉर्टेंट आज तक टॉपिक माना जाता था उसको भी हटा दिया गया है। एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, तो इस टॉपिक को भी यहाँ से हटा दिया गया है। बेसिकली प्रैक्टिकल भी हुआ करता था, प्रैक्टिकल भी ये हट चुका है। या और जैसे आपको मैंने पहले ही बता दिया, प्रैक्टिकल में नो प्रोजेक्ट, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट नहीं है, एक्टिविटी कोई आपको नहीं करनी है, डेमोन्स्ट्रेट नहीं करना है, एंड वी यू हैव टू परफॉर्म एक एक्सपेरिमेंट, ओके। और ये दोनों क्या होंगे, आपकी क्लब बेस्ड होंगी, ठीक है, ओके। सो ये आपका था 12th का, नाउ वील डिस्कस अबाउट 11th। नाउ अगर मैं बात करूँ क्लास 11th की, तो फिजिकल वर्ड जो चैप्टर 1 है, तो फिजिकल वर्ड से आपका फिजिकल स्कोप, एक्साइटमेंट नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इस सब को इंट्रोडक्शन बेसिकली हटा दिया गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 कोई चेंज नहीं है यहाँ पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। बात करूँ चैप्टर नंबर 3 की, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसमें से फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, पोजिशन टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी को हटा दिया है। अगर बात करूँ चैप्टर नंबर 4 की, दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन, बेसिकली हम इसमें वेक्टर एंड स्केलर की बात करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो चैप्टर नंबर 4 से कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है। बात करें चैप्टर नंबर 5 की, लॉज ऑफ मोशन, तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स एक नया कॉन्सेप्ट है, ये भी यहाँ से हटा दिया गया है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो बेसिकली न्यूटन्स के सारे जो थ्री लॉज सब डिलीट हो चुके हैं आपके सिलेबस से, ठीक है। बाकी एक इनर्शिया का कॉन्सेप्ट होता है और एक इम्पल्स का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी हटा दिया गया है। बात करूँ नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज़ वर्क एनर्जी एंड पावर, चैप्टर नंबर 6, तो वहाँ से कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 8 में आपने कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, कैपलर ने प्लेनेटरी मोशन के लिए जो लॉज दिए थे वो हटा दिए गए हैं। साथ साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी सिलेबस से हटा दिया गया है, बट एज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम ये 8th में जो ग्रेविटेशन है, कैपलर्स लॉ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद करें चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, तो इसमें इलास्टिक बिहेवियर होता है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, तो उसमें से इलास्टिक बिहेवियर हटा दिया है। शेयर मॉडुलस इज अ टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसको हटा दिया गया है। पोइजन रेशियो हटा दिया गया है, इलास्टिक एनर्जी हटा दी गई है। उसके बाद बात करूँ अगर मैं नेक्स्ट की, तो थर्मल प्रॉपर्टीज एंड मैटर में से आपका हीट, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट हटा दिया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर हटा दिया गया है, हीट ट्रांसफर जैसे कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है और रेडिएशन होता है, ठीक है, तो ये भी हटा दिया गया है। अगर बात करूँ चैप्टर नंबर 12 की, तो थर्मोडायनामिक्स में से आपका हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, ठीक है, एक हीट प्रोड्यूस कर रहा है, एक कोल्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो दोनों को हटा दिया गया, तो हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर आपका सिलेबस से
हट चुका है। बात करें चैप्टर नंबर 13 और 14, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड ऑसिलेशन, तो उस चैप्टर में से कोई भी रिडक्शन नहीं किया गया है। ठीक, अगर बात करूँ चैप्टर नंबर 15, दैट इज लास्ट चैप्टर, दैट इज वेव्स, तो वेव्स में बेसिकली जो फंडामेंटल मोड्स एंड हार्मोनिक्स हैं वो हटा दिया गया है। प्लस इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली थी, दैट इज डॉपलर इफेक्ट, तो डॉपलर इफेक्ट को भी हटा दिया गया। एज मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पर भी 11th में भी वही चेंजेस किए गए हैं, प्रैक्टिकल को कम कर दिया गया है, अब 8 प्रैक्टिकल होंगे, आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, साथ साथ कोई भी एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये आज हमने डिस्कस किया किसके बारे में, ये था दैट इज़ जो सिलेबस रिलेट हुआ है क्लास 11th एंड 12th का। अब बात करते हैं हम 10th के सिलेबस की। नाउ 10th की बात करें तो इसमें जो बेसिकली नेचुरल फिनोमेना है आपका, ठीक है, तो उसमें से जो दूसरा चैप्टर है दैट इज़ द ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड, तो उसमें से तो फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन जैसे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, जितने भी डिफेक्ट हैं उनको एंड देयर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड लेंसेज, ये इतने सारे टॉपिक हटा दिए गए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे लेकिन अब इन टॉपिक्स को आपके बोर्ड सिलेबस से हटा दिया गया। बात करूँ नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इफेक्ट ऑफ करंट की, तो इफेक्ट ऑफ करंट में इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो मैग्नेटिक दैट इलेक्ट्रिसिटी तो सेम इट इज़ वैसी ही है जैसी थी, लेकिन जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था उसमें से बेसिकली इलेक्ट्रिक जनरेटर का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिव करंट, एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिव करंट ओवर डायरेक्ट करंट एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को इससे हटा दिया गया है। बात करो नेक्स्ट की दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज़ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसमें क्या किया गया है, तो आपके पास जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती थी, कन्वेंशनल जो पहले से चली आ रही है और नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी की जो टॉपिक था वो हटा दिया गया है, फ्यूल्स को हटा दिया गया है, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टिंडर एनर्जी हटा दिया गया है, न्यूक्लियर एनर्जी हटा दिया गया है, ठीक है, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हटा दिया गया है, तो ऑलमोस्ट लगभग चीज़ें इसमें से हटा दी गई है। अगर बात करो प्रैक्टिकल्स की, तो प्रैक्टिकल्स में आपका बेसिकली इसमें से मुझे कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं है, प्रैक्टिकल जो थे वो एज इट इज़ वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में एक आपका जो चैप्टर जिसको डिलेट प्रैक्टिकल हुआ उसमें क्या करना पड़ता था, आपको जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर लगे होते थे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता था, तो उसको हटा दिया गया है। साथ में आपको सिर्फ आपको ओम्स लॉ करना पड़ेगा और प्रिज्म वाले कुछ आपको प्रैक्टिकल हैं वो करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ हट गई है, दैट इज़ फाइंडिंग द इमेज डिस्टेंस ऑफ वेयरिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए एक प्रैक्टिकल हुआ करता था उसको भी हटा दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, मैं जो रिवाइज सिलेबस है आपका, चाहे वो 11th का हो, वो आपका 12th का हो, या वो 10th का हो फिजिक्स का, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसकी PDF को सेंड कर दूंगा, आप उसको प्रॉपरली देख सकते हैं कि जो चेंजेस होने के बाद या जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें जो जब डिलेट हो गई, तो वो डिलेट होने के बाद आपका क्या चीज़ वहाँ पर अब बच गया है और क्या आपका सिलेबस होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स का अड्डा बाई रवि धारियाल।